बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन। मानव के सर्वांगीण विकास का मूल शिक्षा है। एक समावेशी समाज निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। इसी के दृष्टिगत नई शिक्षा नीति के प्रति जागरूक किए जाने को लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शहर की रिजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से लेकर मध्यकालीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की चुनौतियों को महत्वपूर्ण माना। सेमिनार के मुख्य अतिथि कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार राय रहे। कार्यक्रम में पहुंचे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुनेश कुमार, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग सीनियर प्रोफेसर RP पाठक, RMP डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। कहाँ आए थे क्या आप? ये रिजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है रेसोरा में, तो आज इनका यही मयूर रिसोर्ट में एक दिन का नेशनल सेमिनार है फ्यूचरिस्टिक व्यू ऑफ टीचर एजुकेशन पर, तो उसी में मुझे जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इन्वाइट किया था इन्होंने। आज रिजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर में एक नेशनल सेमिनार थी जो थी कि जो टीचर एजुकेशन है उसका फ्यूचर क्या होगा भारत में, इस पे सेमिनार थी। उसी के की नोट एड्रेस मुझे देना था, तो इसी में थे हम लोग सीतापुर में। प्रोफेसर मुनेश कुमार। मैं प्रोफेसर RP पाठक, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग सीनियर प्रोफेसर, यहाँ के राष्ट्रीय सेमिनार में मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था, इसलिए आए हैं। सर कैसा लगा आपको यहाँ आने का? अच्छा लगा, लेकिन एकेडमी के एथॉस जो होना चाहिए वो नहीं था। मतलब पर्पज़ जिस पर्पज़ से हम आए थे वो मुझे पूरा नहीं मिल पाया। ठीक है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई यह उत्कृष्ट पहल, विद्वानों का मानना है कि नई शिक्षा नीति से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सेमिनार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक कुमार राय के अलावा प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, प्रोफेसर RP पाठक, प्रोफेसर प्रणेता सिंह, प्राचार्य डॉक्टर आशा शुक्ला सहित शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। रिजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रस्योरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को लेकर कॉलेज के रिजेंसी समूह के अध्यक्ष MF जैदी व रिजेंसी समूह के निदेशक AR जैदी ने आई इंडिया को बताया। आज रीजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ने नेशनल सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आलोक कुमार राय, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पाठक दिल्ली से आए हुए हैं, प्रोफेसर मुनीश कुमार आए हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर परिणता सिंह हमारे आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग PG कॉलेज से इनवाइटेड थी, प्रोफेसर मुनीश कुमार कीनोट स्पीकर थे। और सेमिनार का उद्देश्य था कि नई शिक्षा नीति से सारे ही जो शिक्षा जगत के लोग हैं और जो पीपल टीचर हैं उनको अवगत कराया जाए और इससे राष्ट्र निर्माण में और भी ऊर्जा और तेज़ी मिलेगी कि हम नई तकनीकों से अपने देश के भविष्य को बता सकें और उनसे उसी राह पे उस पर काम कराए जा सके। उद्देश्य नई शिक्षा नीति
जो इस सरकार द्वारा लाई गई है उसके बारे में जन जागरण करना और इसके फ़ायदे हमारे बच्चों को मिले उनको ये समझाने के लिए ऐसा आयोजन किया गया है। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।